सारप्रणाम, मैं अंकित तिवारी, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। किसान बिल, सड़क पर संग्राम, पंजाब से दिल्ली तक किसानों के आक्रोश से समूचा यातायात ठप है। हरियाणा में पुलिस के साथ भिड़ंत से साफ है कि किसान इस बार खाली हाथ नहीं लौटना चाहते। राशन और दवा तक साथ लेकर चले किसानों ने सरकार से निवेदन के साथ साथ हड़ताल का भी अब मन बना लिया है। सरकार 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करने का एजेंडा लेकर चल रही है और विपक्ष किसानों को बता रहा है कि आमदनी दोगुनी नहीं बल्कि आधी होने वाली है। यही नहीं, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों में माल बेचने से भी महरूम होने वाले हैं। किसान भ्रम में है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे और मंझले किसान किस तरह निपटेंगे और मंडी से बाहर माल बेचने की आजादी के बीच वो निवेशकों और बिचौलियों से कैसे पार पाएंगे। असमंजस के माहौल में किसान सड़कों पर उतर चुके हैं। आखिर सरकार के दावे पर किसी को भरोसा क्यों नहीं है, न किसान को और ना ही विपक्ष को। पंजाब में रेल रोको आंदोलन के बाद अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी यूपी के किसान 26 नवंबर से दिल्ली चलो का इनकलाब कर दिया उन्होंने और लगातार वो इसमें जुटे हुए हैं और पुलिस की तैयारी उन्हें दिल्ली में घुसने से रोकने की है। तो ऐसा क्या है इन तीन बिलों में जो सरकार के लिए किसान मुसीबत खड़ी कर रहे हैं? सरकार का दावा है कि देश में करीब 86% छोटे और सीमांत किसान हैं जो मंडी एजेंटों और बिचौलियों के मारे हैं। इन लोगों को इस बिल के जरिए न सिर्फ बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी बल्कि वो अपना उत्पाद देश के किसी भी कोने में बेच सकेंगे। इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP और मंडियों को जारी रखने का वादा भी किया है, लेकिन विरोध पर आमादा किसान के गले सरकार का तर्क नहीं उतर रहा। पंजाब से दिल्ली तक आंदोलित हुए किसानों से आखिर कैसे निपटेगी मोदी सरकार? तो सरकार कृषि बिलों को ऐतिहासिक बता रही है और विपक्ष इसे धोखा। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों और बहनों को अनुरोध करना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा के माध्यम से ही रास्ते निकलते हैं, इसलिए कृपा करके वो अपने आंदोलन को स्थगित करें, चर्चा के लिए आएं और हम उनका चर्चा और स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो किसानों के विरोध और प्रदर्शन पर अब बहस करेंगे, लेकिन बहस शुरू करने से पहले हम आपको करनाल और अंबाला के 2 शॉट्स ये दिखा रहे हैं जिसमें आपको किसानों के आंदोलन और प्रशासन के साथ हो रही झड़प का अंदाजा लग जाएगा। ये तस्वीरें करनाल की एक तस्वीर, दूसरी तस्वीर अंबाला की। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से किसान उग्र हैं और प्रशासन सख्ती का प्रयोग कर रहा है उनको शांत कराने के लिए। तो किसान बिल, सड़क पर संग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आनंद साहू जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता अनुज अत्रेय जी, किसान यूनियन के नेता पवन खटाना जी, इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल और राष्ट्रीय युवा चेतना के संयोजक रोहित सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। पहला सवाल पवन खटाना जी मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो किसान आंदोलनरत हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, सरकार उन्हें मनाने की कोशिश में जुटी है, तो आखिर किसान मान क्यों नहीं रहे हैं और क्या वजह है कि दिल्ली का रुख करने के लिए बिल्कुल मोर्चे पर डटे हुए हैं? पवन जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए पवन जी से हम दोबारा संपर्क करेंगे, उनको आवाज नहीं मिल पा रही है फिलहाल। रोहित सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के संयोजक हैं। रोहित जी, देखा जाए तो किसान लगातार आंदोलनरत हैं, सरकार की कोशिश है कि लोगों को रोका जाए और किसानों को समझाने में लगातार सरकार प्रयासरत है, तो आखिर विफलता कहां पे और किसान उग्र क्यों दिखाई दे रहे हैं इतना? आज भारत का संविधान दिवस है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आज के दिन संविधान का निर्माण भारत में समानता और समता के स्थापना के लिए किया था। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है।
भारत में किसानों को अन्नदाता और भगवान कहा जाता है। आप प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब उनके 56 इंच का सीना है ऐसा भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के मित्र कहते हैं, उस समय भारत के अन्नदाता और किसानों को भगवान को धरती पर लेटा लेटा के पीटा जा रहा है, उन पर पानी के फव्वारों का प्रयोग किया जा रहा है, हरियाणा के बॉर्डर पर बैरियर में कंटीले तारों को घेर कर किसानों को दर्द देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोहर लाल खट्टर की सरकार प्रतीक्षारत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि देश के किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या चिंतन है। कृषि बिल देश के किसानों देश की 130 करोड़ आबादी के साथ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को दबाना चाहती है और व्यापारियों के हाथ में भारत की कृषि को कठपुतली के रूप में सौंपने का कुटसित और गंदा प्रयास कर रही है, जिसको हम जैसे नौजवान और भारत के किसान कभी होने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी का झूठ देश की जनता समझ चुकी है और किसान के ऊपर आप जिस तरह से संविधान के दिन जिस संविधान ने उन किसानों को अपनी आवाज सरकार पहुंचाने का अधिकार दिया है, उन किसानों के ऊपर लाठियां बरसाकर मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी प्रमाणिक तौर पर हिटलर नेपोलियन है। इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है। जब प्रधानमंत्री को इस बात की समझदारी नहीं है कि किसानों के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जाना चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार पूर्णतः किसानों की विरोधी सरकार है। ये प्राइवेट कंपनीज के हाथ में देश के किसानों को देना चाहते हैं। चलिए रोहित जी, बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। पवन खटाना जी, सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो लगातार सरकार प्रयास कर रही है कि किसानों को रोका जाए और इस तरह के आंदोलन ना हो, तो आखिर किसान सुन क्यों नहीं रहे हैं? और दूसरी चीज, दिल्ली का रुख करने के लिए क्यों आमादा है आप लोग? कि हमें हमारी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, मैक्सिमम नहीं मांगा हमने, हमने न्यूनतम मांगा। हमने कहा अगर आप हमने कहा कि अगर आप धान का रेट 1850 घोषित करते हैं तो 1850 से कम पर खरीदारी नहीं होनी चाहिए। हमारा पूरा धान 1000 रुपए में खरीद लिया गया। व्यापारी, बड़ी बड़ी पूंजीपति, उद्योगपति उसको 1000 से ज्यादा खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें यह पूछना चाहते हैं सरकार से कि हम कौन सी जगह जाकर के अपना इस जमीन को, इसको, फसल को बेचें। चलिए, कौन सी जगह पर जाके बेचें पवन जी? लेकिन सरकार लगातार बातचीत की भी कोशिश कर रही है और लगातार सरकार का ये कहना है कि हमने किसान यूनियनों को बुलाया है कि आप आके बातचीत करिए, बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकलेगा। सरकार बिहार में अगर जीत होती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी जीत का जश्न बीजेपी कार्यालय में मनाते हैं। उस दिन कोरोना नहीं जीतता। आज पूरे पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंचायत करते हैं, अमित शाह भी पंचायत करते हैं, बड़े बड़े वहां पर रैलियां हो रही हैं, वहां कोरोना नहीं दिखता। अगर देश का किसान देश की सरकार से ये पूछना चाहता है कि मैं अपनी फसल को कहां बेचूं, कौन सा सेक्टर होगा, कौन सी वो जगह होगी कि जहां मैं अपने रेट ले सकूं, उसे पूछने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। सरकार आ नहीं सकती, हम भी नहीं जा सकते। चलिए, सवाल आनंद लाल जी से हम जान लेते हैं, इसका जवाब जान लेते हैं। आनंद लाल जी, किसान दिल्ली नहीं आ सकते और सरकार, आनंद लाल जी से बीजेपी के हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, आनंद साहू जी। आनंद जी, देखा जाए तो लगातार ये कहा जा रहा है कि किसान कह रहे हैं कि वो दिल्ली नहीं जा सकते और जो सरकार है वो उनके पास नहीं आ रही है, तो विकल्प कहाँ, क्या है इसका? और दूसरी चीज, आप लोग कह रहे हैं कि किसान बिल बहुत ही अच्छा है, किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया है, उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, तो आखिर किसानों तक आपकी बात ये क्यों नहीं पहुंच पा रही और समझाने में आप विफल क्यों हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो बड़े बड़े भाषण दे रहे थे कि मिनिमम समर्थन मूल्य जो है हम मांग रहे हैं, एक ने हिटलर शाही कह दिया, कुछ अनाप शनाप बक दिया, वो चार पॉइंट बता नहीं पा रहे हैं कि कहां पर डिमांड है, एक्चुअल डिमांड क्या है वो नहीं बता रहे हैं और झूठ और अफवाह फैला रहे हैं। अगर आप लोग इतने वर्षों से 60-70 साल में अगर किसानों के लिए कुछ किया होता तो आज किसान तो अमेरिका के किसान से भी ज्यादा रिच हो जाते। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किसानों के जो मूलभूत संरचनाएं हैं उसके लिए लाखों लाख करोड़ रुपया दिया, बीज के लिए पैसा दिया, खरीद के लिए दुनिया भर के डिपो बनाए और मिनिमम समर्थन मूल्य को सुन लीजिए, भाषण मत दीजिए बीच में, बीच में मत बोलिए मैंने नहीं बोला था,
औकात है तो सुनने का भी औकात रखिए, डोंट ट्राई टू इंटरप्ट मी, ठीक है ना। हाँ थोड़ा हिम्मत रखिए, इस तरह से नहीं बात करते हैं बीच में। मैं ये बोलना चाहता हूँ आज, अरे सुनिए आप उद्योगपति उद्योगपति, आपको कुछ आता जाता है नहीं, बीच में कूद जाते हैं, ये ऐसे मछली बाजार मत बनाइए। टीवी डिबेट, रोहित जी जवाब ले लेते हैं आनंद जी से, उसके बाद आपके पास मैं आ रहा हूँ। उसके बाद आप बताइए इनको माफी। तिवारी जी प्लीज स्टॉप हिम। रोहित जी आपके पास में आ रहा हूं, फिलहाल आनंद जी से जवाब ले लेते हैं जो लगातार टिप्पणियां की जा रही है। थोड़ा सुनने का हिम्मत दिखाने के लिए बोलिए उनको। आनंद जी बताइए, सरकार की आवाज को दबाने से नहीं चलेगा। आज लाखों करोड़, आप बताइए, मनमोहन सरकार थी और वित्त मंत्री उस समय प्रणब मुखर्जी जी थे और पाटिल मैडम जो है राष्ट्रपति थे, मुझे याद है। अरे सुनिए आप क्या बकवास कर रहे हैं, सुनिए जनाब सुनिए, थोड़ा हिम्मत रखिए, सुनने का दम रखिए, ऐसे नहीं चलता है। और पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं। आनंद जी पहले पुरानी बातों को छोड़ देते हैं, फिलहाल मेरा आपसे सीधा सवाल ये था कि आखिर बीजेपी फेल कहां हो रही है, अगर सारी चीजें अच्छी हैं पूरी बात बता रहा हूं तिवारी किसान विरोध क्यों कर रहे हैं, पूरी बात बता रहा हूं सुनिए तो, पूरी बात बता रहा हूँ। देखिए क्या है, 20 सेकंड में बता रहा हूँ, आप बीच में ये बोल देते हैं तो आवाज खराब होती है ना। बताइए, आइदर ही शुड स्पीक और आई शुड स्पीक, उन्होंने बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ अभी। बताइए आप देखिए, सवाल ये है कि वो 10,000 करोड़ में ग्रीन रेवोल्यूशन ला रहे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति 10,000 करोड़ में ला रहे थे, किसान मर रहे थे, आत्महत्याएं हो रही थी और झूठ फैला रहे थे 10,000 करोड़। आज लाखों करोड़ रुपया किसानों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, उनके फूड प्रोसेसिंग के लिए मूल्य अधिक मिले, उसके लिए मिनिमम समर्थन प्राइस अधिक मिले। अरे आप किसानों का खून चूसना बंद करिए, ये दलाली करना बंद करिए, उनके 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 सौ उनके जो उनके जो है उनके जो उनके जो मरे हुए बॉडी के ऊपर दलाली करना बंद करिए, राजनीति करना बंद करिए। आनंद जी का कहना है कि बहुत ही सही है, किसानों के लिए बहुत ही अच्छा ये बिल है। राहुल जी सवाल मेरा आपसे होगा, देखा जाए तो बीजेपी कह रही है कि किसानों के समर्थन में ये बिल है और बहुत ही शानदार बिल है, या यूं कहें कि किसानों की आय ये बिल दोगुनी कर देगा आने वाले दिनों में 2022 तक का लक्ष्य। अंकित तिवारी जी बड़ा गंभीर सवाल उठाया है आपने कि 2022 तक में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कब, जब 2016-17 का बजट प्रस्तुत किया गया था तब उन्होंने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था कि 2022 तक में किसानों के आय को डबल कर दिया जाएगा। उस समय इस किसानों के आय को डबल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नीति आयोग के तत्वावधान में अशोक दलवाई की एक कमेटी गठित की गई थी और अशोक दलवाई कमेटी से पूछा गया था कि आखिर किस तरह से किसानों के आय को दुगुना किया जाए। तब उस कमेटी ने बताया था कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हमें 12% के ग्रोथ रेट पर ले जाना पड़ेगा। अगर हम लोग 2014 से 2019 के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को देखें तो 2.5% रहा, पिछले साल का देखेंगे तो वो 2.8% रहा। तो अब हम लोग 2020 में जब खड़े हैं हम लोग, तब भी हम लोग सोचिए कि 12% या 10% के एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से बहुत दूर हैं। ये तो स्थिति है कि 2022 में कैसे हम लोग 10-12% के ग्रोथ रेट पर कैसे पहुँचेंगे। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ कि किसानों को अभी अब बात की जा रही है कि नरेंद्र सिंह तोमर जी कह रहे हैं कि 3 दिसंबर को हम किसानों से वार्तालाप करेंगे, जब वो ये विधेयक ला रहे थे, कानून ला रहे थे, तो उसके पहले भी किसानों से बातचीत कर लेते। यहाँ पे मुख्य चीज़ ये है कि देश भर में APMC के भी 7,000 मंडियाँ हैं जबकि जरूरत 42,000 मंडियों की। लोगों की, किसानों की डिमांड ये हमेशा से रही है कि मंडियों में सुधार किया जाए, लेकिन सरकार जो नया कानून लेके आई है वो मंडियों में सुधार करने को लेके नहीं है बल्कि मंडियों को समाप्ति की तरफ से है और वो प्राइवेट क्षेत्र में जा रही है। इसका सीधा एकमात्र कारण ये है कि निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो मंडियां आ रही हैं उसको टैक्स फ्री रखा गया है और जो सरकारी मंडियां हैं वहां पे टैक्स लग रहे हैं। तो 6-7% अगर व्यापारियों को वहां पे टैक्स लगेगा तो वो तो वैसे जगह में चाहेंगे कि बाहर वाले निजी क्षेत्र में वहां पे खरीद बिक्री हो, तो ऑटोमेटिक इसका प्रभाव ये होगा कि APMC वाली मंडियां खत्म हो जाएंगी। तो किसानों को डर है कि हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य फिर कहां से मिलेगा, क्योंकि अभी ही न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना किसानों के लिए गंभीर चुनौती की विषय है, जबकि बीजेपी बार बार आश्वासन दे रही है कि वो मिलेगा, तो उसको कौन क्रियान्वित करेगा उसको।
ये झूठ फैलाया जा रहा है। क्या झूठ फैला रहे आनंद साहू जी? आप एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट देखे हैं? आपने अपना कभी देखा कि आपका 12% का जब एस्टीमेट अशोक दलवाई कमेटी ने बोला था, तो आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना है? आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट क्यों 2.5 आप अब तक 3% तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नहीं पहुंचा पाए? इस कोरोना के पीरियड में भी केवल आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ही आपकी अर्थव्यवस्था में प्लस के सेक्टर में रहा आपका। इसलिए हाँ बोलिए बताइए। अरे आप बता दीजिए, आप इतने ज्ञानी, एक सवाल पूछता हूँ। आप पूछिए ना। चलिए आनंद जी, फिलहाल अनुज अत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता, उनसे हम जानते हैं कैसे थे। अनुज जी, देखा जाए तो लगातार कहा जा रहा है, लगातार विपक्ष कह रहा है कि ये सही नीति नहीं है, किसानों के लिए ये बिल सूटेबल नहीं है, अच्छा नहीं है, उनकी आय जो है वो और कम हो जाएगी दोगुनी होने की बजाय। किस तरह से देखा जाए इसको और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है उसको, कांग्रेस आखिर कोरोना काल चल रहा है तो कांग्रेस का समर्थन इतना क्यों है कि आप दिल्ली कूच करिए? क्योंकि लोगों को जहां एक तरफ इकट्ठा होने से रोका जा रहा है, वहां इकट्ठा होने की अपील क्यों की जा रही है कांग्रेस की तरफ से? बहुत अच्छा काल चल रहा है, कांग्रेस पार्टी सरकार से ये पूछ रही कि कोरोना काल में ये बिल लाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी, कौन सी सरकार को ऐसी जल्दीबाजी थी कि जो सरकार इंतजार नहीं कर सकती थी, किसानों से बात नहीं कर सकती थी, आज ये बिल किनके लाभ के लिए लाया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है किसानों के फायदे के लिए आया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पीड़ित किसी से है और सबसे ज्यादा अगर इससे इसके विरोध में कोई है तो किसान वर्ग है। जब किसानों के आप हित में लेकर के आए और किसान इस बिल को नकार रहे हैं तो सरकार क्यों जिद टेढ़ी हुई है? किसको लाभ पहुंचाने के लिए, जिनको आपने लाभ पहुंचाने के लिए बिल लाया है वो तो इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार इस बिल को रोक करके किसानों से सलाह मशवरा करके, आपने आनंद फानंद में जिस तरह से लोकसभा में और राज्यसभा में बिल पारित किया, जो नेता है लोगों की विपक्षी आवाज को दबा दिया गया, माइक बंद करके लाइव करने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि बिचौलियों का आपने आमदनी खत्म हो जाएगा, किसानों को सीधे उनके खाते में पैसे जाएगा। सुन लीजिए आनंद जी, यही तो उनको खल रहा है। आनंद जी आपको जवाब देने का पूरा मौका दिया जाएगा, फिलहाल मनोज अत्रे जी को सुन लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुन लीजिए। आप लोग इतने किसानों के हितैषी थे तो बता दीजिए कि कहां किसान अपना माल बेचना चाहेगा, कौन से अपने पूंजीपति मित्रों को, जो आपके जो चुनिंदे मित्र हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये क्यों बिल के पीछे मोदी सरकार पड़ी गई? जब आप मंडियां खत्म कर रहे हैं, एपीएमसी जब खत्म कर रहे हैं, तो किसान को अपना माल बेचना बता रहा हूं, कहां माल बेचना चाहिए? कहीं ना कहीं आप इससे जमींदारी प्रथा को दोबारा से अगर मिल रहा है तो प्रधानमंत्री जी के राहुल गांधी ने जो आंकड़े दिए वो बिल्कुल सही आंकड़े दिए। मैं और आपके सामने एक आंकड़ा पेश करता हूं, जो हमारी सरकार के समय एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था, एग्रीकल्चर ग्रोथ छोड़िए जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हमारी सरकार के समय में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय में 43 बिलियन तो और ओपन कर दिया हमारी सरकार ने, क्या आप बोल रहे हैं? घटा के 30 बिलियन डॉलर, इतना ही नहीं, देश जो आगे बढ़ना चाहिए, जो बुनकर क्षेत्र में है उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, किसान का तो कर ही रहे हैं, सारे सेक्टर में एमएसएमई को कर रहे हैं, उसका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, उनकी बैलेंस शीट बढ़ रही है, लेकिन देश के गरीब आदमी, सवाल ये है, मेरा एक सवाल है, आप ये बता दीजिए, केवल आप बुद्धिजीवी है ना, एक जोड़ के हाथ, एक सवाल है उसका जवाब दे दीजिए, आप लोगों को सुनने का धैर्य रखिए, आप लोग जवाब दीजिए, उसके बाद में बात करता हूं। होता है तो फिर ये शोर ही मचाया जाता है जो आप कर रहे हैं, झूठ फैलाने से किसानों को न्याय नहीं मिलेगा, आवाज सुनना चाहिए, प्रधानमंत्री जी का नियत साफ है, गरीब किसानों को आगे बढ़ाने का उन्होंने शपथ ले रखा है और आए दिन उनके हित की रक्षा के लिए हर प्रकार से बिचौलियों को समाप्त किया जाएगा और किसानों को बिचौलियों को समाप्त करते ना आनंद साहू जी, आप मंडी समाप्त करने में क्यों लग गए? किसान तो आपसे यही डिमांड कर रहे थे कि बिचौलियों को खत्म कीजिए, लेकिन आप तो ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि बिचौलियों का साथ में मंडी खत्म हो रहा है। चलिए बातें कई तरह की हो रही है, कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं। पवन खटाना जी भी हमारे साथ किसान नेता, उनसे हम जान लेते हैं कि पवन जी, देखा जाए तो ये कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग को कहीं ना कहीं सरकार बढ़ावा दे रही है, इसको लेकर भी सरकार की तरफ से सफाई दी जा रही है, उनका कहना है एमएसपी पर हम गारंटी दे रहे हैं और इस लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है एमएसपी नहीं निर्धारित हो रही, जिसको लेकर लगातार किसान उहापोह की स्थिति में, किसानों में डर का माहौल है, उसको लेकर सरकार जो है वो गारंटी दे रही है, आपको एश्योर कर रही है, तो आखिर फिर दिक्कत कहां आ रही है? कहां गारंटी हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग गुजरात में लागू कर रखी है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने वहां पर मुख्यमंत्री शासन में अपने में वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू की थी, जिसको आपने देखा था, आपने पेप्सी को एक कंपनी है जिसमें आलू चिप्स को लेकर के किसानों पर और मुकदमे दर्ज हुए थे। अगर मेरा अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से मैं आलू बेचता बोता हूँ और मेरा आलू नहीं खरीदा जाता, उल्टे वापस मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज होते हैं, मैं अपनी कोई चीज मांगता हूँ वो नहीं मिलती है, देश में
आज आप जो चीज लागू करना चाह रहे हो उसको आप गुजरात में लागू कर चुके हो और उस पर आप फेल हो चुके हो। आज कैसे कह सकते हो आप इसे पूरे देश में लागू करोगे? पूरे मैं इनकी बात खाली एक चीज जोड़ रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका में है जहां पूरा विश्व मानता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से देश का किसान खत्म होगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये क्यों लाना चाहते हैं? कहां इनकी सेटिंग है? इनको सीधे सीधे अडानी और अंबानी को एक फायदा पहुंचाना है, उस बात को क्यों नहीं बोलना चाहते? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, बड़े बड़े किसानों की जो जमीन के उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पर खरीदा जाएगा, जो इनका जो मैन ये झूठ और अफवाह फैलाने से किसानों को फायदा नहीं मिलता है। आज मिला होता आप लोग इतने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ना तो अमेरिका में सफल रहा ना ऑस्ट्रेलिया में सफल रहा, पूरे दुनिया में सबसे असफल मॉडल रहा है भारत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, रिचेस्ट हो जाते हैं आज। गुजरात में इनका उदाहरण है, किसानों को इनकम नहीं बढ़ जाएगा। चलिए रोहित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राष्ट्रीय युवा चेतना के संयोजक हैं। रोहित जी, सवाल मेरा आपसे है, देखा जाए तो लगातार किसान कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर उनको चिंता है और कहीं ना कहीं मंडियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है सरकार, क्या यही वजह है लगातार किसान जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, देश के किसानों की स्थिति बहुत खराब है और किसान भगवान माना जाता है भारत के अंदर, और आज किसानों के साथ जो व्यवहार सरेआम सड़कों पर दिख रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ किसानों को भगवान बताते हैं, दूसरी तरफ भारत के संविधान दिवस के दिन किसानों को जैसे मूज को छूरा जाता है, ऊख को पेड़ है, उस प्रकार से भारत के अन्नदाता और भगवान को सड़कों पर पीटा जा रहा है। क्या इसी दिन के लिए भारत के अन्नदाता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया? हरियाणा पुलिस ने आप लोग तो उसको मरवाना चाहते हैं, मरवा करके उस पर राजनीति करना चाहते हैं। तिवारी जी, आप ये मेरा आवाज बंद करेंगे तो मैं आउट कर दूंगा और आप डिबेट चलाइए। मैं समझा देना चाहता हूँ कि देखिए जनता है, लोकतंत्र में जनता। हाँ बताइए, आज आप लोग किसानों की लाश की राजनीति करना बंद करिए भगवान के लिए। आनंद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, भगवान भी माफ नहीं करेंगे, मिलेगा पूरा मौका आपको दिया जाएगा जवाब देने का। घाट उतार फिलहाल रोहित जी को सुन लेते हैं क्या वो कह रहे हैं, जो मध्य प्रदेश में हुआ था। तिवारी जी मेरा सवाल तो सुन लीजिए, इनको सुनने दीजिए, ये केवल झूठ फैला रहे, चार पॉइंट नहीं लेंगे। आनंद जी आपको बता दिया था, मैं आपके पास पहुंच रहा हूँ, बाकी सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। चलिए आनंद जी, सवाल मेरा आपसे ही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आखिर सरकार इतना बढ़ावा क्यों दे रही है आपको? मैं चुप रहूंगा, मेरा सवाल सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए आप, उसके बाद मैं सुनता हूँ। मैं सवाल करता हूँ, आप बताइए 10 साल में मनमोहन जी के सरकार में किसानों के अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली और बाकी गोडाउन और ये सब के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए कितना पैसा दिया, बताइए आप। दूसरा सवाल, मिनिमम सपोर्ट समर्थन जो मूल्य है मनमोहन सिंह जी के 10 साल में कितना बढ़ाया, बताइए अभी आप लोग। अगर आप लोग के पास डाटा है, तैयारी करके आए तो बताइए, और फिर मैं बताता हूं हमारी सरकार ने क्या दिया। आनंद साहब, चलिए अनुज जी आप बताइए कि क्या है जिस तरह से सवाल आनंद जी कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, जवाब अनुज जी दीजिए। क्या देना चाहते हैं अनुज जी? किसानों को दिल्ली जाने लेंगे, अपने प्रधानमंत्री से मिलने लेंगे, क्यों के किसानों को? अरे सवाल की जवाब दीजिए आप, बकवास करना बंद करिए टीवी में। अनुजी जवाब चाहिए, सवाल किया है बंद, वो बताइए आप टीवी को करेंगे, आप टीवी को करेंगे। देखिए आनंद जी, बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो पिछले 6 वर्षों से मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में कर रही है। जब इनसे वर्तमान के बारे में कुछ पूछा जाता है तो ये सन 70 की बात करने लग जाते हैं, सन 62 की बात करने लग जाते हैं। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की आपने बात अगर सुननी है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को बोलने वालों को सच कभी झूठ नहीं होता है। किसान जो गाँव में है वो खुश है, यही कारण है 8 राज्य में किसान गांव का खुश है, फिर सड़क पे कौन है ये लोगों को घुमाना? साहू जी, अगर किसान इतना खुश है तो फिर सड़क पे कौन आ गया? तो फिर उन लोगों को विजय जुलूस निकालना चाहिए था, उत्सव मनाना चाहिए था उनको, हम लोगों को मांगे 3-3 अधिनियम प्राप्त हो चुका है। आपके छल और प्रपंच को भारत का किसान समझ चुका, अब भारत के किसान नहीं आने वाले, ये नहीं समझ चुका है। बीच के दलालों को किसान समझ चुका है, बिचौलियों को किसान समझ चुका है। मैं भी किसान का बेटा हूँ,
मैं जानता हूँ, आलू 2 रुपया किलो उधार में बेचा हूँ और वो भी पैसा बिचौलियों ने नहीं दिया। आज मैं बताता हूँ, तो उन बिचौलियों को हटाने का कहाँ प्रावधान है? आनंद जी सही चीज कह रहे हैं, लेकिन उन बिचौलियों को हटाने का ही तो प्रावधान नहीं है इन तीनों कानूनों में। आपने उल्टे आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करते जमाखोरी को प्रोत्साहन देने का रास्ता खोल दिया आपने। झूठ का अंबार है, सब डिजिटलाइजेशन है, ई मार्केटिंग ला रहे हैं, सारे ऑर्गेनिक खेती करने की बात हो रही है, गोडाउन बन रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग हो रहा है, पानी का व्यवस्था हो रहा है, बिजली का हो रहा है। चलिए आनंद जी, व्यवस्थाएं सारी हो रही है, तो आखिर किसान आंदोलन है जो सड़क पर है वो कौन है? क्या वो किसान नहीं है? सो कॉल्ड बिचौलिए दलाल, आई डोंट टॉलरेट दैट। आनंद जी, अगर सारी व्यवस्थाएं किसानों के लिए, बिल अच्छा है, सिर्फ बिचौलियों को ही इससे दिक्कत है, तो जो सड़कों पर है क्या वो सिर्फ बिचौलिए ही हैं? क्या वो किसान नहीं है? मुझे पता है कि ऐसा है, मुझे मालूम है कि ये जो साधारण किसान होते हैं बेचारे, पढ़े लिखे नहीं होते, उनको बिचौलिए हर बार गुमराह करके उनकी लाश की राजनीति करते हैं। मध्य प्रदेश में कैसे मरवाया और उसकी राजनीति करके कांग्रेस सत्ता में आना चाहिए, उसमें भी फेल हो गए, वहां भी सरकार चली गई, उसके बाद भी ये सुधर आने वाला टाइम राजनीति कर रहे हैं। तो किसानों को समझाना, क्या वहां की सरकार फेलियर नहीं साबित हो रही है? वहां की सरकार फेलियर नहीं दिख रही है आपको? पार्टी को हराया वहां पर, झूठ मत बोलिए, आप लोग हारे हैं मध्य प्रदेश में, और कहां हरा दिया? और कपट के पैसे के दम पे आपने वहां सरकार दोबारा बनाई, हमारी सरकार चुनी हुई सरकार गिरा दी। कोई नहीं, चलिए हमारे साथ पवन जी भी हैं, पवन कटाना जी किसान नेता है। पवन जी, सवाल मेरा आपसे है, देखा जाए तो लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है, अब कृषि मंत्री ने बुला लिया है किसान नेताओं को मिलने के लिए, तो आगे की रूपरेखा क्या है और क्या रणनीति है आपकी? किसान रोड पर रहेगा, जिस दिन देश का प्रधानमंत्री देश के किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर देगा, उस दिन ये किसान वापस जाएगा। देश का किसान इसमें वापस नहीं जाएगा, आश्वासन और मुद्दे बहुत देख लिए दावे। अब हम क्लियरली लिखित में लेंगे कि जो भी हमारी मांग है उसको आप लिखित में कानून बनाइए। अगर आप कोरोना काल में देश के किसान के खिलाफ 3 कानून ला सकते हो, तो देश के पक्ष में, देश के किसान के पक्ष में एक MSP का कानून क्यों नहीं लाया जा सकता? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं। अंकित जी, मैं एक क्वेश्चन आपसे बात करते ये कहना चाहता हूं कि क्या आपको जानकारी नहीं है मध्य प्रदेश में इन्होंने जो इनके जनप्रतिनिधि है कितनी होटलों में ठहराए थे? क्या राजस्थान की नहीं पता है? क्या हरियाणा की नहीं पता? कौन सा ऐसा प्रदेश है जिनके मुद्दे पर सरकार को चला रहे हैं, जिनके ऊपर जनप्रतिनिधि बताते हैं? वो जनप्रतिनिधि को डर है बिकने का? चलिए, तो जब तक प्रधानमंत्री गारंटी नहीं देते किसान सड़कों पर रहेंगे। राहुल लाल जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगा, जब तक प्रधानमंत्री आश्वासन नहीं देते किसान सड़कों पर रहेगा। बीजेपी कह रही है कि किसान का जो कृषि बिल है वो किसानों के लिए फायदेमंद है, तो आखिर बीच की जो कड़ी है वो जुड़ क्यों नहीं पा रही? क्यों आपसी मतभेद दिखाई दे रहा दोनों तरफ से? देखिए, बीच की कड़ी ये है कि जब ये बिल लाया भी जा रहा था तब भी किसानों को विश्वास में नहीं लिया गया, अब विश्वास में लेने की बात हो रही है। किसानों से मैंने काफी बातचीत की है, किसानों का एक सिंपल सा चीज है कि अगर आप 3 कानून ले ही आए हैं, अगर उसको वापस नहीं लेते हैं तो एक 4th कानून ले आइए, न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून ले आइए। किसान मानने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री या तमाम वरिष्ठ नेता भले आश्वासन दे रहे हैं लेकिन जमीन पे MSP का क्रियान्वयन नहीं होता, ये हम लोग जानते हैं। तो उनको पता है कि ये चीज अगर बोल भी दिया जाएगा तो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्राप्ति नहीं। चलिए बिल्कुल, राहुल जी कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना चाहिए और किसानों को विश्वास में लेकर इस तरह की चीजें करनी चाहिए, इस तरह का बिल लाना चाहिए और अभी जो स्थिति है उसको कंट्रोल में करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो फिलहाल बड़ी बहस में आज इतना ही, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बड़ी बहस में फिलहाल बस इतना ही, सारा प्रणाम।